इतने टाइम से बिठा के रखे कहा शादी का तरीका है मम्मी को बोलने का जैसा मैं किया वैसा मेरा बेटा करेगा मैंने भी तो किया था ना आप अपने छोड़ो पहले जल्दी होती थी सब्जी भी नहीं थी ऐसा करने का मैं दोस्तों में रह रहे थे ना पागल हो गया सो हेलो गाइस मैं हूं अपरेश मैं हूं जिशान और हम हैं फोकस सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आज जिशान को एक लड़की पसंद आ गई है बहुत ज्यादा इतनी पसंद आ गई कि उसको शादी करने गए ये प्रैंक है एक लड़की पसंद नहीं आई ऐसा नहीं बोलता हूं बोलता हूं मेरी शादी करो अब तो क्या बुड्ढा हो जाऊंगा तब शादी करेंगे हां 30 साल का तो हो ही गया है गाइस ऑलमोस्ट 55 स्टार्ट करते आप लोग कमेंट करके बताओ जिशान बड़ा है या मैं बड़ा हूँ तो आप लोग के कमेंट से पता चलेगा आप लोगों को पता कौन बड़ा है नहीं बहुत लोग बहुत न्यू व्यूअर्स लोग भी है लेकिन देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं चलो कैमरा फिट करता हूँ अंदर जाके तुझे चाबी से दरवाजा खोल मेरी सही उम्र में शादी हो जाए सॉरी अमरीश की सही उम्र में शादी हो जाती है बच्चा न होता चलते अंदर अंदर कैमरा फिक्स करके मामी को बुला के बातें चालू कर मामू यार लग गए तेरे चलो चलो भाई मामू ना सो रहे थे मैंने उनको उठा के उनको स्क्रिप्ट समझा रहा हूँ अभी मोमानी ना अंदर कपड़े मतलब जो भी है सब साफ सफाई टाई वाई कर रहे हैं तो जब तक मैं मामू को समझाता हूँ मामू जिशान को मारना नहीं आज वाले वीडियो में हर बार प्रैंक करते हैं आप मार देते उसको तो इस वजह से आज हम लोग सोचे कि आपको इंक्लूड कर लेते हैं मोमानी के ऊपर ये प्रैंक करेगी जिशान को शादी जल्दी करने का अब भी उसकी शादी कराओ और उसको एक लड़की पसंद है ऐसा करके तो आप आपको जब बुलाएंगे ना मोमानी तभी आना पहले आ जाएंगे ना तो मोमानी समझ ना जाए ठीक है तो मैं बाहर कैमरा फिट करता हूँ कैमरे में मत देखना चलो बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को हाँ आज बात करके खत्म ही करता हूँ मत कर बाद में तकलीफ होगी उन लोगों को क्या तकलीफ होगी करवाना रहेगा जब करवाएंगे ऐसा थोड़ी ना होता है सुन लेंगे मुमानी लोग आ जाएंगे यहाँ पे मत बोल 20 साल का हो गया हूँ मैं अभी इतना टाइम तक कोई रुकता है क्या मम्मी मानी इसका दिमाग सट गया है इधर आओ पागल हो गए बहुत बहुत दिन हो गया बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे को शादी करने की क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा हाँ तो इतने टाइम से बिठा के रखे कहा शादी का तरीका है मम्मी को बोलने का बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या होता है नहीं नहीं फिर भी नहीं शादी करने का बड़ा भाई बैठा है उसको पहले करना तो बड़ा उसको भी बुड्ढा मार दो मेरे को भी बुड्ढा मार दो इसी हाँ तो मेरे को शादी करनी ये जो तेरे व्हाइट बाल आ रहे ना ये माँ के प्यार की वजह से आ रहे अबे बुड्ढा हो गया बुड्ढा नहीं हुआ है 24 साल में बुड्ढा नहीं हो गया बाल माँ का प्यार होता है दुआ होती है प्यार नहीं होता है भाई जो भी है प्यार ही हुआ दुआ को इतने सारे व्हाइट बाल हो गए मेरे को शादी करो लड़की भाई समझा रहा हूँ मैं समझ रही नहीं है लड़की ढूंढ रहा था वो लड़की जो पसंद आई थी उसके बारे में बता वो उससे ही शादी करने एक तो उसका दिसंबर में रख दिए अभी एक साल उसको जाएगा फिर मेरे को मेरी शादी को एक साल दो साल इतना लंबा हो जाएगा हाँ तो मेरे को अब भी करने है दो तीन महीने में शादी मैं कर रहा हूँ ना भाई क्या ही होगा इतनी सारी रसम वसम रहती है सब करने का रहता है तो रसम करेंगे ना सब अच्छे से धूमधाम से करेंगे एक ऐसा चुटकी में थोड़ी ना सब हो जाता है वो नहीं करेगा धूमधाम से ऐसी कोर्ट मैरिज कर लो तो इसलिए ये दिन देखने के लिए पैदा किए देखो मेरे को शादी करनी है उल्टी बात करेगा मेरे को शादी करनी है बस बात करता हूँ वही समझा रहा हूँ मैं तब से समझ रही नहीं है हलवा थोड़ी ना होती है शादी अभी मामू सुनेंगे मामू क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे डैडी तो खुद 16-17 साल में शादी कर आपने कितने साल में शादी की तो क्या हो गया मेरा मेरे से अमन इससे बड़ा तो अमन है तो उसकी भी तो शादी रुकी हुई है ना तो अभी इन लोग के बड़े होने का वेट करूँ मैं छोटा हूँ मैं कर लूंगा उसमें अभी जो हाइफा की शादी हुई कितनी छोटी है तो 18-19-20 साल पहले कर देना चाहिए वो एक वो रहता है फर्ज रहता है वो फर्ज अदा हो जाता है लड़की लोग पहले इसलिए कर देते बस मेरे को करने या मेरे को नहीं मालूम कौन सी लड़की का इसको भूत चढ़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा करा रहे मैं भाग के कर लूंगा कौन है भी नहीं नीचे घर पे आके लेटता है ना तो एक लड़की से बात करते रहता लगातार क्यों कौन है क्या पता कौन है
उसके घर वाले कहीं और शादी करा देंगे तो कैसे कराएंगे, मैं बात कर लूंगी। आप क्या बात, तो बात कर लो, अब भी चलो साथ बोलोगे, ऐसे नहीं मान रहा, आपसे नहीं मान रहा, मार खा के मारो। हाँ बोला क्यों मारिए, फिर सो गए लेके आता मामले ये ज़्यादा पागल हो गया है। क्या हुआ? ये ज़्यादा पागल हो गया। बैठो बैठो आ जाओ। यहाँ बैठो। वो शादी करने करती जल्दी। अभी आमन बैठा है, बड़ा बैठा है, तो पहले शादी करना। तो क्या हुआ? कर लेगा? माँ वो तो साइड ही नहीं ले रहे आपकी। मैंने भी तो किया था ना। आप अपनी छोड़ो, पहले जल्दी होती थी सर। आप बोले मेरा भाई बैठा था, मैंने कर लिया था। आप भी नहीं रेडी था। मैं तो मुमानी के साथ हूँ, मैं भी बड़ा, मेरी नहीं हुई तेरी, मैंने बात की होगी तेरी। मेरा भाई बड़ा था, मैंने कर लिया था। और अभी खुलूद की शादी कर रहा है, तो लड़की की जल्दी हो जाती है। और आप अपना पहले का ना मत छोड़ो। तो क्या हुआ? आप भी नहीं, पहला जमाना नहीं था ये, अभी का ये। नहीं मामू, आपको साथ नहीं देना चाहिए ऐसे। ये क्या, वो अमन बैठा है, मैं बैठा हूँ, आपको शादी तो हो गई ना। लेकिन विदाई हुई तो तुम्हारा पति हो गया, वो अभी तक क्या हुआ? तुम्हारा पति है तो क्या हुआ? बीवी आई, शादी हो गई, निकाह हो गया, बस थप्पा लग गया, खत्म। ऐसा थोड़ी ना, उसकी शादी हो गई, मेरी जब आएगी वो घर बहू मेरी भी शादी करा के ऐसा कुआरा मार दो मेरे को, मैं करा दूंगा, मैं शादी करा दूंगा। आप इसमें पड़ेंगे तो हम लोग डैडी, मैं डैडी के साथ। दो गवाह चाहिए, एक गवाह, दूसरा गवाह कहाँ से? दूसरा मैं दोस्त को बना दूंगा किसी। नहीं ऐसे कैसे, मैं दोस्त को बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं सबको समझा दूंगा कि मैं ले आऊंगा। अब हो गया, आप बेटे वैसे खुद वैसे बच्चों को जैसा मैं किया वैसा मेरा बेटा करेगा। मैं कर नहीं दूंगी उसको। तो मतलब मैं शादी करूंगी, मैं तो आ रही हूँ। मैं तो दोनों शादी करेगा, घर में नहीं घुसेगा। हाँ तो घर में नहीं आऊंगा, बाहर रहूंगा। बाहर बाहर रहेगा, रोड पे रहेगा। हाँ हवाई लगी है, दोस्तों में रह रहे थे ना, पागल हो गया। हाँ पागल हो गया, देखो कैसा मुंह चला रहा है। आपकी वजह से तो क्या हुआ? आप सह दे रहे हो उसको, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, हो दे दे शादी। शादी के पीछे बड़ा गलत है, साथ ही नहीं देना चाहिए उस चीज भाई। करना है तो करना है, जान दो करने हमारी मर्जी करने। इतने टाइम से लेकिन तू मुंह क्यों चला रहा है? शादी की लेकिन मम्मी से मुंह चलाएगा क्या? मुंह नहीं चलाया मैं तो कभी सोची भी नहीं थी ऐसा करेगा। क्या बोल रहे, क्या करने का भी बोल। प्रैंक था। पागल हो गए क्या? क्या फालतू प्रैंक कर रहे हो? मुमानी के हाथ में आंसू आ गए। अरे मस्ती कर रहे थे। मामू को भी पता था, मुझे भी मालूम था। आपको लगता है मैं इतनी जल्दी शादी करूंगा? मामू तो अभी जवान है, कम से कम 40 साल की उम्र है। मामू इसलिए साइड दे रहे अभी, बोलते मेरा नंबर है पहला। देखो बेटे को बस नहीं हो रहा था, मामू को भी करने गए। डैडी की शादी कराएंगे फिर मेरी शादी। क्या मजा है। बैठे रहे अभी, जिशान को जिशान का नंबर पता चल गया कि उसकी शादी कब होने वाली है। तो गाइस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं मरकत, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकट। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन। वैसे कब करा रहे मेरी शादी? तो आप उनके साथ ही कर रहे हैं, मैं मना नहीं करेंगे।